से मैंने अपना फोन फिर से तोड़ दिया। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप अच्छे होंगे। मैं श्वेता आप सभी को हमारे चैनल मायरा एंड मी में स्वागत करती हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि कल कोई वीडियो नहीं आया। हाँ, कल मैंने कोई वीडियो इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर के उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है और अब वो अभी बन नहीं सकता है क्योंकि बैंगलोर में 21 जून तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। तो जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं तो मैं जाके उसे सर्विस सेंटर भी दे नहीं सकती क्योंकि अभी कोई ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर खुला नहीं है। तो जब सर्विस सेंटर खुलेगा आफ्टर 21st, मैं तब जाऊंगी उसे रिपेयर करूंगी। और इवन मैंने अपना चैलेंज वीडियो तो शूट नहीं किया था, जैसे कि मैं वैक्सीन लेके आई थी तो मैंने कोई चैलेंज वीडियो का सोचा नहीं था कि सैटरडे कोई चैलेंज वीडियो लेके आऊंगी। बट डेफिनेटली एक अच्छा कंटेंट वाला वीडियो था, कुछ अच्छा कंटेंट था उसमें, वो वीडियो आने वाला था। बट वो वीडियो भी, वो सारे वीडियोस उस फ़ोन में ही है। तो जब तक वो फ़ोन ठीक नहीं होता, रिपेयर नहीं होता, तो वो वीडियो हम ला नहीं सकते। पता नहीं मेरा फ़ोन जब ठीक होगा तो मैं ज़रूर वो वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अभी एक फॉर टाइम बीइंग मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो कौन सा फ़ोन है, आपको ज़रूर दिखाऊँगी भी। और आप देख सक रहे हो आज मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और वो वैक्सीन की वजह से मुझे थोड़ा फीवर और थोड़ा बॉडी पेन था तो इसलिए मैं बहुत डल दिख रही थी, बट आज मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से। एंड इवन मैं आज बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज मेरा न्यू फ़ोन आ गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा फ़ोन ऑर्डर किया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मोबाइल मैंने ऑर्डर किया है। तो मैंने ऑर्डर किया है मोटो जी 60 और मैं अभी इसे खोल के आप सभी को दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखता है। देख सकते हो ये रहा मेरा नया मोबाइल। इसे ऑन करके देखते हैं और ये जब तक ऑन होता है तब तक हम देखते हैं हमारे बॉक्स में क्या है। सो इसमें कुछ पेपर्स हैं और चार्जर और बस चार्जर का वायर, बस इतने ही है। और मेरा फ़ोन ऑन हो गया। तो मैं ये फ़ोन यूज़ करने के बाद ज़रूर इसका प्लस पॉइंट और इसमें क्या फीचर्स है उसका एक वीडियो आप सबके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। हम छत ऊपर लेके आते हैं, हम छत में आए हैं, हम छत में आए हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप एक्सरसाइज कर रहे हो? स्नैक्स में मैं गोलगप्पा नहीं बनाने वाली हूँ, बस गोलगप्पा खाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं मसाला और पानी घर पे बनाऊंगी। गोलगप्पा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और मुझे ये गोलगप्पा भी मिल गया। इवन आपको गोलगप्पा का वो
पापड़ जैसा जो आता है ना वो भी मिलता है मेरे पास, वो भी है, बट मैंने सोचा कि पहले ये रेडीमेड वाला खत्म करूं, फिर मैं वो वाला यूज करूंगी। तो अभी मैं जल्दी से मसाला बना देती हूँ, जिसके लिए मैंने आलू बॉईल करके रखा है और चॉप करके धनिया रखा है, चॉप प्याज, थोड़ा सा मैंने बादाम को फ्राई किया है, ये है मिर्च जिसको मैंने छोटे छोटे काटे हैं, और नमक स्वाद अनुसार, और मैंने घर में रेडीमेड जीरा और मिर्च का उसको पहले भून के उसका एक पाउडर बना के रखा हुआ है, जिसे इसे भी मैं यूज़ करूँगी। और पहले हम पानी बनाएंगे, इमली का पेस्ट यूज़ करूँगी, आप चाहे तो जो घर में इमली रहता है उसका भी आप पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं, उसको पानी में भिगो के उसका पेस्ट बना के आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे अराउंड 3 चम्मच इमली का पेस्ट लूँगी, उसमें मैं थोड़ा सा चिली को मैश करूँगी, हाफ चिली को मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चिली मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा बस मैश करूँगी, उसमें थोड़ा नमक ऐड करूँगी, और जो मैंने आपको बताया था भुना जीरा और चिली का पाउडर जो मैंने घर पे बनाया था उसे मैं ऐड करूँगी। और मैं फिर अच्छी तरह से मिला लूँगी, और मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। पेस्ट बनके रेडी है, आप देख सकते हो, अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, आप चाहे तो इसमें चिल्ड वाटर भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नॉर्मल वाटर ऐड करूंगी। बस इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूंगी, धनिया पत्ता, और आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको अगर चाहिए तो और थोड़ा नमक आप ऐड कर सकते हो। और ये हमारा गोलगप्पा का पानी रेडी है, अब मैं मसाला बनाऊंगी आलू का चाट का। तो मैंने आलू बॉईल कर लिया है, ये मैं 2 आलू बड़े आलू 2 ली हूँ, इसमें मैं कटे हुए प्याज, पहले इसे मैं मैश कर देती हूँ आलू को, फिर कटे हुए, तो मैं पहले आलू बनाती हूँ। अब मैंने आलू को मैश कर लिया है, इसमें मैं कटे हुए प्याज, बादाम और थोड़ा सा चिली, क्योंकि मायरा खाएगी इसीलिए, और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप अपने मन से जितना तीखा चाहे डाल सकते हो। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिलाऊंगी, आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार, और वो मैंने जो जीरा और चिली पाउडर किया था उसको भी मैं इसमें जब पूरा अच्छी तरह से मिला लूँगी तो मैं उसको भी ऐड करूँगी थोड़ा सा, जो टेस्ट को और इन्हांस करेगा। एटलीस्ट 1/2 टीस्पून बस, आप सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसमें मैं 2 चम्मच ये जो खट्टा पानी मैंने बनाया था उसे ऐड कर दूंगी। तो ये मेरा मसाला पानी बनके रेडी है, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। आप चाहे तो दही के साथ भी इसे खा सकते हो, दही पूरी करके, बस कुछ नहीं मसाला, उसमें दही ऐड करिएगा। आपको क्या चाहिए? ये वाला मुझे टेस्ट करो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा देते हैं। ओके, हो गया, खा के देखो। मजा आया? मजा आया।
होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।